फिजिक्स सर SF150। तो इस बाइक के लिए ना मेरे पास बहुत लोगों के इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए और कमेंट में भी बताया कि इस वाली बाइक का एक वीडियो बना के अपने सामने लेके आओ। तो अभी मैंने ना 250 जो जिक्सर SF250 आती है ना, इसका भी एक वीडियो बनाया है, तो वो भी आप लोगों को चैनल पे देखने को मिल जाएगा। ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका होगा इससे पहले इंस्टाग्राम, अपना डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। तो 250 और 150 में अगर डिफरेंसेस की बात करें ना, तो पावर का डिफरेंस तो है ही, उसके अलावा जो फिज़िकली अपने को देखने में डिफरेंस लगता है ना, वो सबसे पहला जो आप लोगों की नज़र पड़ेगी वो पड़ेगी डिस्क का, जो उसका अपना साइज़ पे। तो इसकी डिस्क आप लोग ये चेक कर सकते हो, ये है अपनी 150 का साइज़। तो ये काफ़ी छोटा लगने वाला है उसके अकॉर्डिंग, वाइब्रेटरी ब्रेकिंग दोनों में ही है, प्लस इसमें जो अपने को ABS मिलने वाला है वो अपने को सिंगल चैनल मिलने वाला है, प्लस 250 में जो रहता है वो ड्यूल चैनल रहेगा। तो ये एक डिफरेंस हो गया। लुक्स में कोई ज़्यादा कोई फ़र्क आप लोगों को नज़र नहीं आने वाला, सेम सारा कुछ सेम रहने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। बाइक की अगर अपन बात करें तो कुछ इस टाइप की अपने को चाबी मिलती है। अब लगा के पहले आपको MID का स्टार्टअप ही दिखा देते हैं। इस टाइप का अपना इसमें MID का स्टार्टअप रहता है। ये अपना पूरा ऊपर RPM मीटर आ गया, गियर इंडिकेटर, अपना टोटल किलोमीटर, ऑडोमीटर, मतलब जो भी अपनी बाइक चली हुई है, ये अपना टोटल स्पीड आ गई, क्लॉक, फ्यूल गेज, और साइड्स में जो भी अपनी सारी डिटेल रहती है वो आ गई। ये अपना रेगुलेटर की लाइट जो है वो अपने को ऊपर देखने को मिलेगी। क्लिप ऑन्स हैंडल बार अपने को इसमें मिलते हैं, जो कि जिसकी सीटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। अगर आप लोगों की भी हाइट, मतलब जैसे मेरी हाइट है 5'8", 5'9", 5'10", 5'9", 5'8", 5'7" वालों के लिए भी ये बाइक ईजीली आप लोग राइड कर सकते हो। तो कुछ इस टाइप का अपना इसमें ऊपर से देखने में पूरा जो पॉइंट ऑफ व्यू, जो मोटर व्लॉग वाला सेटअप रहता है, अगर राइडर की पोजीशन से इसकी जो पोजीशन रहने वाली है ना, जो लुक आने वाला है वो कुछ इस टाइप का है। साइड मिरर्स अपने जो थोड़े साइज़ बड़ा है, तो विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी और फोल्डेबल है, जो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये अपना स्विचेस की क्वालिटी, सारा पेंट और जो भी रबड़ की क्वालिटी है, सब कुछ अच्छी रहने वाली है। ये अपना हाई बीम लो बीम का स्विच हो गया, ये आपका आ गया पास का, तो आप लोग देख सकते हो फुल LED सेटअप इसमें अपने को मिलने वाला है। ये इंडिकेटर अपने हुआ है, और कुछ इस टाइप का अपना इसमें हॉर्न मिलता है। ये अपना किल स्विच हो गया और ये अपना स्टार्टअप हो गया। स्टार्ट करें फ्रंट से तो कुछ ऐसी अपने को छोटी सी ये ना विंडस्क्रीन मिलती है, जो कि क्लियर में होने वाली है, पर आफ्टर मार्केट में ये ना इसके बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों के लिए अवेलेबल होने वाले हैं। पूरा LED सेटअप हेडलाइट में मिलने वाला है। इंडिकेटर अपने वही हेलोजन वाले ही हैं। अपना एक सुजुकी का स्टिकर आप लोगों को फ्रंट मडगार्ड पे देखने को मिलेगा। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, अपसाइड डाउन वाला सीन नहीं है इसमें। मैट फिनिश में अपने को अलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं, और उसके ऊपर ही ये अपना रेड है कि ये रेसिंग स्ट्रिप वाला सीन देखने को मिल सकता है। MRF का अपने को टायर है, और टायर की ग्रेडिंग की अगर अपन बात करें तो 180/17 17 इंच का अपने को ट्यूबलेस टायर फ्रंट में मिलता है। रियर वाले टायर की ग्रेडिंग अगर अपन देखेंगे तो थिकनेस तो 150 के अकॉर्डिंग अच्छी है। MRF का ही टायर अपना ये है, और इसकी ग्रेडिंग है 140/60R17, वही 17 इंच का आगे और 17 इंच का ही पीछे, वही वाला अपना रेसिंग स्ट्रिप वाला सीन पीछे भी देखने को मिलेगा। ड्यूल अपने को टायर हगर इसमें देखने को मिलेंगे स्प्लिट वाले, ये वाला पार्ट रिमूवेबल है, वो अपना होता ही है। एग्जॉस्ट का लुक इसमें ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है आप लोगों को, प्लस इसमें ना अपने को सेंटर स्टैंड भी देखने को मिलेगा, ये भी काफ़ी सही है। और इसी के बाइक के जिक्सर SF250 और 150 मतलब तो सेम ही रहेगा, आप लोगों को सैडल बैग्स भी देखने को मिल जाएंगे। सुजुकी की शोरूम पे जो एसेसरीज आप लोगों को मिलती हैं उसी में अपना जिक्सर दोनों के लिए सैडल बैग्स भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, अगर आप लोग भी टूरिंग के पर्पज़ से ही बाइक ख़रीद रहे हो। रियर टेल लैंप वाला सीन कुछ ऐसा है, ये अपना बड़ा सा एक टेल टाइडी वाला सेक्शन हो गया। साड़ी गार्ड वो भी रिमूवेबल है, प्लस जो फुटरेस्ट और दोनों मतलब पिलियन के लिए भी और राइडर के लिए भी जो फुटरेस्ट की पोजीशन है वो काफ़ी अच्छी और एक्यूरेट जगह पर है, मतलब जहां पर होनी चाहिए। अब अगर ये वाले कलर की अगर बात करेंगे ना, तो इसमें कुछ कुछ रेड हाईलाइट्स दी हुई है, मतलब ब्लैक रेड वाला सीन बना हुआ है। एक अपने को ये फ्रंट वाले पार्ट पर देखने को मिलेगी, दोनों टायर्स पर जो रेसिंग स्ट्राइप वाला सीन है वो है, प्लस अपना जो मोनोशॉक है वो भी रेड कलर में ही होने वाला है। ऐसा कुछ अपनी ये रियर वाली डिस्क का साइज़ है। अब ये मैच करते हैं कि रियर वाला में भी 250 में और 150 में
कितना फ़र्क है, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को फ़र्क देखने को मिलेगा। 150 अपना ये वाला है 250 का, क्योंकि मैं आप लोगों को और तो पीछे से दिखाऊं तो ये है, पर ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है। 19-20 का आप लोगों को हल्का फुल्का फ़र्क देखने को मिलने वाला है। ये अपना ग्रेब्रेल्स हो गई, और सीट्स दोनों में ही SF 250 में भी और 150 में भी स्प्लिट सीट ही मिलने वाली है, और जिक्सर जो अपना नॉर्मल नेकेड वाला वर्जन आता है उसमें भी स्प्लिट सीट ही होने वाली है आप लोगों के लिए। तो अब वीडियो में सारी चीज़ें अपन ने कवर लगभग कर ही चुकी है, अब बात करते हैं इंजन स्पेक्स के बारे में। तो इसमें अपने को 155cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 13.6 PS का पावर एट 8000 RPM, और टॉर्क जो अपना रहता है वो रहता है 13.8 Nm का एट 6000 RPM। और फ्यूल सिस्टम जो उसमें अपना वही फ्यूल इंजेक्शन वाला ही है, 5-speed गेयरबॉक्स है और सिंगल चैनल ABS है, जो कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया। बाइक के वेट की अगर अपन बात करें तो बाइक का वेट है 148 kg। फ्यूल टैंक की अगर अपन बात करें तो फ्यूल टैंक है इसमें 12 लीटर का। सीट हाइट वही 795 mm की। इंजन स्पेक्स तो अपन ने देख ली, अब आप लोगों को मैं सुना देता हूँ बाइक का एग्जॉस्ट नोट के किस टाइप को अपने को इसमें एग्जॉस्ट वाला सीन मिलता है। तो ये भी वही क्लच दबा के ही स्टार्ट होगी। तो ये हो चुकी है बाइक स्टार्ट, अब करते हैं इसको थोड़ा रेव और सही से सुनाते हैं आप लोगों को साउंड। टाइप का काफ़ी स्मूथ साउंड अभी तक तो लग रही है, और तो इस टाइप का अपना एग्जॉस्ट नोट रहने वाला है बाइक का जिक्सर SF 150 का। तो होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, एक आप ही लोगों की तरफ से ही डिमांड आई थी इस वाले वीडियो की, तो ये वाला वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो आप लोगों को पता ही है क्या कर रहा है भाई, सपोर्ट अभी तक बहुत बढ़िया आ रहा है, इसी टाइप तरह से आते रहना चाहिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, और मेरे चैनल पे जो वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड हैं उनको चेक करने के बाद अगर आप लोगों को लगे कि मेरा कंटेंट थोड़ा भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को ऑल कर लेना। इंस्टाग्राम मेरा नीचे आ रहा है, उस पर आप फॉलो कर सकते हो, और अपनी क्वायरीज़ जो भी आप लोगों की है, कोई बाइक में कन्फ्यूजन हो तो वो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके या फिर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल के आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, रिप्लाई आप लोगों को जल्दी ही मिल जाएगा। तो चलो एंड करते हैं इस वाले वीडियो को और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ इसी के नेक्स्ट डे। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी और घर वालों का भी। टेक केयर, बाय बाय।